हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ रोमन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद 1, 2, 3 डिजिट्स, डिवीजन अप टू 5 डिजिट नंबर्स विद 1 और 2 डिजिट नंबर्स, एस्टिमेटेड डिवीजन बाय राउंडिंग ऑफ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, यूनिटरी मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एस्टिमेटेड सम्स एंड डिफरेंसेस बाय राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेटेड मल्टीप्लीकेशन बाय राउंडिंग ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मींस कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। 12 × 89 इज इक्वल टू 89 × 12, इट इज करेक्ट। 12 × 89 इज इक्वल टू 10 + 2, यहाँ 12 को ब्रेक करके लिखा है सो ये भी ठीक है। 12 × 89 इज इक्वल टू 12 × 80 + 9, यहाँ 89 को ब्रेक किया है ये भी ठीक है। नाउ 12 × 89 इज इक्वल टू 12 × 8 + 12 × 9, नो 89 की जगह यहाँ 8 और 9 से अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो इट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। In the given abacus, if we add 2 beads at 10,000 place and remove 3 beads from 1's place, then the number formed is. इसमें दो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं एक साथ। फर्स्ट तो हमें दिया है कि अगर हम इस अबैकस की 10,000 प्लेस और 1's की प्लेस पे बीड्स को चेंज कर दें तो क्या नंबर बनेगा, और वो नंबर इनमें से किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दोनों चीज़ हमें बतानी है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा नंबर क्या बनेगा, ठीक है। जो गिवन नंबर है हमें 2, 3, 6, 3, 5, ठीक है। अब हमें कहा है 10,000 और 1's की प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम 10,000 की प्लेस को 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4, 3, 6, 3 एंड रिमूव 3 बीड्स फ्रॉम 1's प्लेस, यानी 1's की प्लेस से 3 बीड्स कम कर दें तो आएगा 2, ठीक। ये नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमें बताना है कि इनमें से किसका प्रोडक्ट जो है वो ये नंबर है, उसके लिए हमें इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। इसका प्रोडक्ट आएगा 4, 6, 0, 3, 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 2, 4, 3, 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 3, 6, 3, 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4, 8, 3, 2। तो हम देखते हैं कौन सा नंबर, कौन से ऑप्शन पे ये है प्रोडक्ट। यस, ये नंबर सेम है, इट मीन्स जो ऑप्शन सी में दो नंबर दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 84,956 - 43,214 इज इक्वल टू 41742, और इसमें इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 74147। सो अब देखते हैं ये दोनों नंबर कौन से ऑप्शन में हैं। 41742, 74147, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। समर्थ हैज़ अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग 6 yards लॉन्ग, ही नीड्स 20 feet स्ट्रिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, वट शुड समर्थ डू फर्स्ट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही हैड। समर्थ के पास एक स्ट्रिंग की बॉल है, यानी स्ट्रिंग को लपेट कर एक बॉल के शेप में रखा हुआ है जो 6 yards लंबी है। ही नीड्स 20 feet स्ट्रिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, और उसमें से उसे 20 feet स्ट्रिंग जो है वो चाहिए
तो व्हाट शुड समर्थ डू फर्स्ट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही हैड। तो सबसे पहले तो समर्थ को देखना होगा कि उसके पास कितनी फीट स्ट्रिंग है, यार्ड में दिया हुआ है तो पहले उसे उस जो उसकी लेंथ है 6 yards उसको फीट में चेंज करना होगा। हिंट हमें दिया है 1 yard इज इक्वल टू 3 feet, तो उसके लिए सबसे पहले उसे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे उसे मालूम चल सके कि उसके पास कितनी फीट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 6 by 3, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 15। 12 and 15 के कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? अगर हम 12 और 15 के फैक्टर्स देखते हैं तो 12 के फैक्टर्स हैं वन टू थ्री फोर सिक्स एंड 12, एंड 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 and 15। अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 and 3, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ 9 and 3rd multiple of 4। प्रोडक्ट ऑफ 9 and 3rd multiple of 4 इज 12 इज इक्वल टू 108, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनाल्ड डक शोज नंबर ग्रेटर देन 850 बट लेस देन 970। जो भी नंबर्स ये 3 डोनाल्ड डक ने लिए हुए हैं उनमें से कौन से किसके पास पी क्यू और आर में से किसके पास वो नंबर है जो 850 से ज़्यादा है बट 970 से कम है? तो हम इनकी वैल्यूज़ देखते हैं पहले कि इनके पास कौन कौन से नंबर हैं। डी सी 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 प्लस एक्स इज इक्वल टू 500 प्लस 100 100 100 एंड एक्स इज इक्वल टू 810। नाउ सी डी एल एक्स वी, सी डी का मतलब 400, एल में 50, 10 एंड 5, इट मीन्स इसका नंबर है 465। सी एम एल एक्स, सी एम मीन्स 1000 - 100 इज इक्वल टू 900 एंड एल मीन्स 50 एंड 10 मीन एक्स मीन्स 10, सो 960। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर 850 से ज़्यादा है बट 970 से कम है? दिस वन, सो आर इज द करेक्ट ऑप्शन एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रियंका रीड अ बुक ऑफ 252 pages इन अ वीक। प्रियंका एक बुक पढ़ती है एक वीक में जिसमें कि 252 pages हैं। शी रीड सेम नंबर ऑफ pages ईच डे, रोज वो इक्वल नंबर ऑफ pages रीड करती है, रोज वो बराबर pages पढ़ती है। हाउ मैनी pages डिड शी रीड ईच डे, तो एक दिन में वो कितने pages पढ़ती हैं? तो इसके लिए 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ जो ये फैक्टर्स का ट्री दिया है इसमें हमें फाइंड करना है इस नंबर को। सो 18 इज इक्वल टू 3 into 6, 6 इज इक्वल टू 3 into 2, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 46। इनमें से कौन सा नंबर 24 और 46 का कॉमन फैक्टर है? तो अगर हम फैक्टर्स देखें 24 के तो हैं, 24 के अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24। एंड 46 के अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें सॉरी फैक्टर्स देखें तो 1, 2,
23 एंड 46। तो कॉमन फैक्टर्स हुए 1 एंड 2। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, 4, 12, 3 एंड 2। सो 2 इज़ द आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शुभम बॉट 8 बैग्स ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 6 बैग्स ऑफ वाइट बॉल्स। ईच बैग हैज़ 9 बॉल्स इन इट। विच एक्सप्रेशन कुड बी यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉल्स ही बॉट। शुभम 8 बैग्स लाता है ब्लू बॉल्स के एंड 6 बैग्स लाता है वाइट बॉल्स के। ईच बैग हैड 9 बॉल्स इन इट। विच एक्सप्रेशन, यानी शुभम 8 बैग्स ब्लू बॉल के लेकर आया है, 6 बैग्स वाइट बॉल्स के लेकर आया है, हर बैग में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि 9 हैं। विच एक्सप्रेशन कुड ही यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही बॉट। तो इसके लिए जो बैग्स हैं उसके नंबर को हम ऐड कर देंगे और उससे 9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी बैग्स में बॉल का नंबर इक्वल है। सो 8 प्लस 6 इंटू 9, सो 8 प्लस 6 इंटू 9, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आई एम अ 4 डिजिट नंबर। एक नंबर आइडेंटिफाई करना है हमें, उसके लिए हमें ये हिंट्स दी हैं। आई एम अ 4 डिजिट नंबर, यानी मैं एक 4 डिजिट का नंबर हूँ। ऑल माय डिजिट्स आर डिफरेंट, मेरी सारी डिजिट्स अलग अलग हैं। दे ऐड अप टू 20, उन सभी को ऐड करके 20 आता है। एंड द हंड्रेड्स डिजिट इज़ डबल द वंस डिजिट, और जो 100 की डिजिट है, 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो वंस प्लेस की डिजिट का डबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। तो फर्स्ट है आई एम अ 4 डिजिट नंबर, तो ये तो सभी नंबर 4 डिजिट के हैं। ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट, सभी में आई थिंक यस, सभी में अलग अलग डिजिट्स हैं। दे ऐड अप टू 20, उनको ऐड करके 20 आता है। तो 6 and 4 10 7 3 10 20, 6 and 3 9 9 2 11 20, 2 and 10 6 and 4 10 20, and 2 and 9 11 6 and 3 9 20। थर्ड ऑप्शन में भी चारों नंबर हैं। नाउ फोर्थ, द हंड्रेड्स डिजिट इज डबल द वंस डिजिट। अब हम देखेंगे कि जो 100 किस नंबर में, 100 की प्लेस पे जो डिजिट है वो वंस डिजिट का डबल है। 4 का डबल 8 होता है, ये नहीं है। 6 का डबल नो, 4 का डबल 8, 3 का डबल 9, नो। ओनली ऑप्शन 9 में 4 का डबल 8, वंस की प्लेस पे जो डिजिट है, 100 की डिजिट उसका डबल है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 125 एंड स्क्वायर माइनस 4 स्टार इज इक्वल टू 1 स्टार, देन द वैल्यू ऑफ स्टार प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, इसको हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि 5 बॉक्स स्क्वायर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो 125 आता है, ये हमें दिया हुआ है। एक और हिंट दिया है कि स्क्वायर में से अगर हम 4 इंटू स्टार यानी 4 स्टार्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो 1 स्टार आ जाता है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर और स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें स्टार प्लस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें जो दिया हुआ है, जो गिवन है, दैट इज स्क्वायर 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 एंड स्क्वायर इज इक्वल टू 125, और वी कैन से 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 125, देयरफॉर स्क्वायर इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25। ओके, ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
अब हमें सेकंड जो गिवन है कि अगर हम स्क्वायर माइनस 4 स्टार करते हैं तो हमें 1 स्टार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्टार प्लस स्टार, ठीक। अब स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 25। 25 इज इक्वल टू 4 स्टार प्लस 1 स्टार, 5 स्टार। और कह सकते हैं स्टार की वैल्यू होगी 25 डिवाइडेड बाय 5 और स्टार की वैल्यू हो गई 5, ठीक। यहाँ हमें स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यहाँ हमें स्टार की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दिया है स्टार प्लस स्टार प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टार मीन्स 5, स्टार मीन्स 5, स्क्वायर मीन्स 25, 25 इज इक्वल टू 60। सो देखते हैं 60 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर्स इन रीजन सेकेंड शोज द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ। यहाँ इस सर्किल में वो नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इस सर्किल में वो नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पोर्शन में कौन से नंबर होंगे जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय, जो नंबर 3 और 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर और किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है मल्टीपल एंड फैक्टर्स में कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं वो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द ग्रेटर नंबर इज दिस देन फाइंड द स्मॉलर नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अगर दो नंबर्स को ऐड करके ये आता है और उसमें से बड़ा नंबर ये है, तो जो छोटा नंबर आएगा उसको नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करने पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए पहले इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे, जो नंबर हमारे पास आएगा उसको नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। सो 9 8 9 6 3 माइनस 5 6 4 8 9 इज इक्वल टू 4 2 4 7 4। ये माइनस करके तो ये नंबर आया, इसको नियरेस्ट 1000 तक अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 0 0 0। अब देखते हैं हमारे पास ये नंबर कौन से ऑप्शन में है। यस, वेरी फर्स्ट ऑप्शन 42000। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 18, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर जो भी ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कोई एक करेक्ट है बाकी रॉन्ग है, तो देखते हैं। 14 प्लस 36 इज इक्वल टू 50, तो ये तो गलत है। 35 प्लस 29 इज इक्वल टू 64, दिस वन इज करेक्ट। 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 3, नो। 60 माइनस 39 इज इक्वल टू 23, नो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 12 एड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 सब्ट्रैक्ट 9 डिवाइड बाय 11 द रिजल्ट इज 27। सो व्हाट इज द नंबर। यहाँ पे एक पजल हमें दिए है कि एक नंबर है जिसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 6 ऐड करें, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें और जो नंबर आए उसको 11 से डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट आएगा 27।
जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमें स्टार्टिंग वाला नंबर ना मालूम हो, तो हम पूरे जो हमें ये दिया हुआ है इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। उससे क्या होगा, हमें स्टार्टिंग वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हमें कहा है रिज़ल्ट है 27। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं 27। नाउ डिवाइड बाय 11, यानी किसी नंबर को हमने 11 से डिवाइड किया तो 27 मिला है, तो हम 27 को 11 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। वो नंबर आया हमारे पास 297। अब किसी नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया था 9, तब हमारे पास 297 था, तो हम 297 में 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 306। 306 कब आया था, जब हमने किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम 306 को उस 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 102। 102 कब आया था, जब हमने किसी नंबर में 6 को ऐड किया था, तो हम 102 में से 6 को माइनस कर देंगे, आएगा 96। 96 कब आया था, जब हमने किसी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम 96 को 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 8। सो जो नंबर था स्टार्टिंग में वो था 8। ठीक है, सो देखते हैं 8 कौन से ऑप्शन में है। यस, सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बुक प्लस कैलेंडर इफ 1, 2, 3, 4, 5 बुक्स आर इक्वल टू 2700 एंड बुक माइनस कैलेंडर इज इक्वल टू 428। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक कैलेंडर और एक बुक और एक कैलेंडर की। हिंट हमें दिए हुए हैं कि 5 बुक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 2700 आता है, और बुक में से अगर हम कैलेंडर की वैल्यू को माइनस करते हैं तो 428 आता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में। गिवन हमें है बुक प्लस बुक इज इक्वल टू 2700, और वी कैन से 5 बुक्स इज इक्वल टू 2700। ठीक है, तो बुक की वैल्यू कितनी हुई, 2700 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 540। ठीक है, ये हमें बुक की वैल्यू पता चल गई। नाउ दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, गिवन बुक माइनस कैलेंडर इज इक्वल टू 428। ओके, सो बुक की वैल्यू क्या है, 540, उसमें से कैलेंडर की वैल्यू माइनस करें तो आ जाएगा 428, ये हमें दिया हुआ है। ओके, सो कैलेंडर इज इक्वल टू 540 माइनस 428, और कैलेंडर की वैल्यू हो गई 112। तो यहाँ हमें बुक की वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ हमें कैलेंडर की वैल्यू मालूम हो गई। सो द वैल्यू ऑफ बुक प्लस कैलेंडर इज इक्वल टू 540 प्लस 112 इज इक्वल टू 652। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।